Hello students, welcome to Statistics Media. Now today we will take the topic of design of experiments. में हम आज जो है वो अनोवा पढ़ेंगे, that is your analysis of variance. So now here I have subdivided this specific topic into two or three parts. तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि सबसे पहले आज का जो टॉपिक रहेगा वो बेसिक रहेगा, क्योंकि यहां से आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दोनों मिलेंगे. सो थ्योरी क्वेश्चंस के लिए वी नीड टू नो कि जो बेस होता है अनोवा का वो क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सी स्टूडेंट, सबसे पहले जब आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात करते हैं तो कुछ टर्म्स हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जैसे ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल एरर क्या होता है. सो दीज आर द टर्म्स. सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि वॉट आर द थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. सो हियर आई टुक अ वेरी सिंपलेस्ट एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तो आप इसको समझिए. इससे आपको सारी जो टर्म्स हैं, ट्रीटमेंट्स, एक्सपेरिमेंटल यूनिट, ये समझ में आ जाएगी. देखिए, सपोज यहां पर इफ आई कंसिडर अ स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने क्लास कंसिडर किया है, एंड दीज एक स्पेसिफिक क्लास को कोई फैकल्टी टीच कर रहा है. दैट मीन्स ऑल दीज स्टूडेंट्स दे आर टॉट बाय सम फैकल्टी. तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो होता है फैकल्टी, दैट इज नोन एज अ ट्रीटमेंट. ये ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक है. अभी आई विल रिलेटेड टू द नेक्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट ऑल्सो. अभी हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं. फैकल्टी किस पे, किसको टीच कर रहा है? स्टूडेंट्स को. तो स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटल यूनिट है. और जब आपने इन ट्रीटमेंट्स को अप्लाई किया एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे, तो कोई रिजल्ट आया, कुछ आउटकम आया, तो इसको हम अनोवा या डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की टर्म्स में क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है. तो अभी आपने दो टर्म समझ में आई है आपको, ट्रीटमेंट्स और एक्सपेरिमेंटल यूनिट. तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पे किसको अप्लाई किया जाता है? ट्रीटमेंट्स को अप्लाई किया जाता है. और इन अदर वर्ड्स, ट्रीटमेंट्स को हम किस पे अप्लाई करते हैं? एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे अप्लाई करते हैं. तो जो रिजल्ट आता है दैट इज नोन एज अ रेस्पॉन्स. सपोज यहां पे स्टूडेंट्स मैंने एक और एग्जाम्पल लिया. सपोज एक प्लॉट ऑफ लैंड है. इस प्लॉट ऑफ लैंड पे आप डिफरेंट फर्टिलाइजर्स के इफेक्ट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, या डिफरेंट सीड्स की वैरायटी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, डिफरेंट इरिगेशन शेड्यूल्स को जो है वो ऑब्जर्व करना चाहते हैं. तो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के डिफरेंट इफेक्ट्स को जब आप एनालाइज करना चाहते हैं, दैट इज टर्म्ड एज अ ट्रीटमेंट. अब ट्रीटमेंट्स को किस पे अप्लाई किया जाता है? एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे. तो यहां पे आप फर्टिलाइजर को अप्लाई कर रहे हैं प्लॉट ऑफ लैंड पे, तो ये क्या हो गया? आपका एक्सपेरिमेंटल यूनिट. तो इसका रिजल्ट क्या आया? प्रोडक्शन, जिसे आप यील्ड कह रहे हैं. तो ये आपका टर्म्ड हो गया एज रेस्पॉन्स. सो आई होप अब आपको ये जो टर्म्स हैं वो इजीली समझ में आ गई होंगी कि ट्रीटमेंट्स को हमेशा किस पे अप्लाई किया जाता है? एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पेशेंट्स और मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो पेशेंट्स तो क्या हो जाएंगे? एक्सपेरिमेंटल यूनिट हो जाएंगे. उनको आप क्या दे रहे हो? मेडिसिन दे रहे हो. तो मेडिसिन क्या हो जाएंगे? ट्रीटमेंट्स हो जाएंगे. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर. ये बहुत बहुत जरूरी है, तभी आपको ये वाला जो टॉपिक है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट या अनोवा वो समझ में आएगा. सो स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल एरर क्या है वो समझिए. सपोज यहां पे इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको सेम ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मतलब उनको सेम फैकल्टी जो है वो उनका लेक्चर ले रहे हैं. लेकिन फिर भी आप देखेंगे हर स्टूडेंट का जो रिजल्ट है उसमें वेरिएशन आता है, उसमें डिफरेंस आता है. तो ये जो डिफरेंस है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटी है या जो एबिलिटी है उस पर, उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड करते हैं उनका रिजल्ट. तो कहना क्या चाहते हैं हम यहाँ पर कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑल द स्टूडेंट्स को सेम फैकल्टी, सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन फिर भी उनके जो रेस्पॉन्सेज हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं, उनमें डिफरेंस आ रहा है. तो ऐसे वेरिएशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. दे आर रैंडम बाय देयर नेचर, दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन हैंड, और इसे हम टर्म करते हैं एज एन एक्सपेरिमेंटल एरर. तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एक्सपेरिमेंटल एरर क्या होता है, कि व्हेन ऑल द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स दे रिसीव द सेम ट्रीटमेंट, राइट. जब सारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट को सेम ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन किसी एक्सट्रानियस फैक्टर्स की वजह से जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते,
ऐसे वेरिएशंस अराइज होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर। जैसे ह्यूमिडिटी है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, सॉइल की फर्टिलिटी है, तो ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सो दीज आर दे ऑल कम्स अंडर द एक्सपेरिमेंटल एरर। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये जो एरर होती है इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एंड इट इज आईआईडी, मतलब इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। मीन होता है एरर का जीरो और वेरियंस होता है सिग्मा स्क्वायर। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन बनता है। तो एक्सपेरिमेंटल एरर जो है वो इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। मीन क्या होता है? जीरो। और वेरियंस क्या होता है? सिग्मा ई स्क्वायर। सो ये आपकी टर्मिनोलॉजी थी जो एसोसिएटेड थी डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट या अनोवा से। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो तीन बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, मैं आपको समझाऊंगी कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसके क्या थ्योरी पार्ट हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वी हैव थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो एक गुड डिजाइन जो होगी वो इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी। सो फर्स्ट इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब होता है रिपीटेशन, रिपीट करना। तो यहाँ पे आप किसको रिपीट कर रहे हैं? नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स को। किस पे ट्रीटमेंट्स किस पे अप्लाई होते हैं? एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे। तो यहाँ पे जब आप ट्रीटमेंट्स को रिपीट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन। सो स्टूडेंट्स, रेप्लिकेशन मतलब जितनी बार आप ट्रीटमेंट्स को रिपीट करेंगे तो उससे हमें क्या एडवांटेज होगा? उससे जो एरर है, जो एक्सपेरिमेंटल एरर है, वो रिड्यूस होगी और आपकी जो डिजाइन की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। तो व्हाट इज द पर्पस? कि मोर द नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस, लेसर विल बी द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द ट्रीटमेंट। मीन्स सो दैट्स वाई हम चाहते हैं कि जितने ज्यादा रेप्लिकेशन होंगे उतनी ही आपकी जो स्टैंडर्ड एरर है, एक्सपेरिमेंटल एरर है, वो रिड्यूस होगी और आपकी जो डिजाइन की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इसका सेकेंड जो एडवांटेज है या पर्पज है वो क्या है? इट प्रोवाइड्स द वैलिड एस्टिमेट ऑफ द एरर वेरियंस। एरर वेरियंस की जो वैल्यू है, जो एस्टिमेट है, ये भी प्रोवाइड करता है। तो ये आपका पहला अप्रोच था, पहला प्रिंसिपल था। सेकेंड होता है रैंडमाइजेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रैंडमाइजेशन? रैंडमाइजेशन मतलब ये होता है कि जो आप ट्रीटमेंट सेलेक्ट करते हैं वो सिलेक्शन रैंडमली होता है। जो भी ट्रीटमेंट्स आप अप्लाई करेंगे अपने एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे वो कैसे होने चाहिए? वो रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आपका सिलेक्शन रैंडम होगा तो जो इन्वेस्टिगेटर की पर्सनल बायसनेस है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस रैंडमाइजेशन। तो यहाँ पे द एलोकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट्स टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इन सच अ वे दैट ईच एंड एवरी यूनिट हैज एन इक्वल चांस, एन इंडिपेंडेंट चांस ऑफ रिसीविंग एनी ट्रीटमेंट। तो हर ट्रीटमेंट, हर एक्सपेरिमेंटल यूनिट का इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस होता है कि वो किसी भी ट्रीटमेंट को रिसीव कर सकती है। मतलब यहाँ पे जो ट्रीटमेंट्स का सिलेक्शन होगा वो रैंडम होगा। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज और पर्पस क्या है कि जो पर्सनल बायस है, जो सब्जेक्टिविटी है, वो कम्प्लीटली यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि यहाँ से ही आपके थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसीलिए आई हैव रिटन इट, जॉटेड डाउन मैंने कर दिया है, इसको समराइज कर दिया है कि रैंडमाइजेशन क्या होता है। और प्रैक्टिकली भी अगर आप देखेंगे तो रैंडम सैम्पलिंग, अगर आपने पढ़ा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो क्या होता है? वो अनबायस्ड मेथड होता है क्योंकि आप रैंडमली यूनिट्स को चूज कर रहे हैं। तो वही कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे लग रहा है। अब क्योंकि आप रैंडमली चूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कैसी होंगी? इंडिपेंडेंट होंगी। इट मेक्स द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस वैलिड फॉर एनालिसिस। और दूसरा, आप जितनी भी अपनी मैथमेटिकल थ्योरीज हैं वो इजीली इनेबल कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और आपसे करेक्ट आंसर पूछ लिया जाता है। सो हियर यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स जो रैंडमाइजेशन से एसोसिएटेड है। नाउ थर्ड प्रिंसिपल होता है लोकल कंट्रोल एंड ब्लॉकिंग। तो पहले हम समझते हैं कि ये क्या होता है। नाउ स्टूडेंट्स, बेसिकली एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट्स में जो है वो हम डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की जो डिजाइंस हैं, डिफरेंट डिजाइंस, वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे ये एग्रीकल्चर लैंड है, ये प्लॉट ऑफ लैंड है। अब आपको पता है कि ये जो लैंड है, इसके सब तरफ में जो सॉइल फर्टिलिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। मतलब कई जगह में फर्टाइल
जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ज्यादा होगी, कई जगह पे सॉइल की फर्टिलिटी लो होगी। तो इसका मतलब ये जो प्लॉट ऑफ लैंड है ये आपका कैसा है, हेटरोजीनियस है। हेटरोजीनियस मतलब यहाँ पे पूरे प्लॉट ऑफ लैंड में जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है। तो अब हमने क्या किया कि इस हेटरोजीनियस लैंड को हमने डिवाइड कर दिया कुछ ग्रुप्स के अंदर, कुछ सब ग्रुप्स के अंदर, और इनको हम बोलते हैं ब्लॉक्स। सो अब इस तरह से डिवाइड किया कि ये जो है वो विदिन तो कैसे होंगे, होमोजीनियस होंगे, और एक दूसरे से कैसे होंगे, हेटरोजीनियस होंगे। अब इसको समझिएगा कैसे। सपोज हमें पता चला कि ये वाला जो एरिया है इसमें जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत अच्छी है, हाई फर्टिलिटी एरिया है। ये वाला जो फर्टिलिटी एरिया है वो मीडियम है, और ये वाला लेट से पुअर है। इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर दिया। तो आप क्या कर रहे हो कि इस हेटरोजीनियस लैंड को होमोजीनियस ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज नोन एज अ ब्लॉकिंग। इस प्रोसेस को ब्लॉकिंग कहा जाता है। तो आपने डिवाइड किस तरह से किया कि एक ब्लॉक के अंदर कौन सी वाली फर्टिलिटी कैसी रही, हाई रही। तो ये अपने विद इन द ब्लॉक ये कैसा है, होमोजीनियस है, ठीक है। लेकिन एक दूसरे से ये कैसा है, हेटरोजीनियस है, क्योंकि एक की फर्टिलिटी हाई है और एक की फर्टिलिटी लो है। तो इस प्रोसेस को हम ब्लॉकिंग कहते हैं, और इन टर्म्स ब्लॉकिंग भी कह सकते हो और एरर भी कह सकते, लोकल कंट्रोल भी कह सकते हैं, ठीक है। सो लोकल कंट्रोल मतलब क्या होता है, ब्लॉकिंग। तो लोकल कंट्रोल क्या कर रहा है, एक तरह से कि जो एरिया बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म नहीं था, जो हेटरोजीनियस था, उसको होमोजीनियस ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। तो इससे हमें क्या एडवांटेज मिल रहा है कि हमारी जो एरर है वो रिड्यूस हो रही है। यहाँ पे हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो जगह सेम नहीं थी, यूनिफॉर्म नहीं थी, उसको हम सेम बनाने की, यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो वेरिएशन है, जो डिफरेंस है, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज टू रिड्यूस द एरर। और जैसे ही एरर रिड्यूस होगी तो डिजाइन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब आप समझिएगा लोकल कंट्रोल क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द हेटरोजीनियस एक्सपेरिमेंटल एरिया इंटू होमोजीनियस ग्रुप्स, एंड दैट इज नोन एज अ ब्लॉक्स। तो लोकल कंट्रोल हम कैसे अचीव करते हैं, और दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद होना चाहिए कि ये हमें कैसे पता चलता है कि हम कैसे ब्लॉकिंग करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं होमोजीनियस ग्रुप्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्मिटी ट्रायल्स। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब इससे क्या एडवांटेज मिलता है, आपकी जो एरर है वो रिड्यूस होती है, और डिजाइन की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अनोवा। की अनोवा क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, एनालिसिस ऑफ वेरियंस जो है, अनोवा टेक्निक क्यों इंट्रोड्यूस करी गई है, पहले हम ये समझ लेते हैं। इसका पर्पस क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड अनोवा। देखिए क्या होता है कि आपने टी टेस्ट पढ़ रखा है, यू हैव स्टडीड टी टेस्ट। सो टी टेस्ट जो होता है, इट इज यूज टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ मीन्स, ये हमें पता है। इट इज यूज टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ मीन्स फॉर कितने पॉपुलेशन मीन्स को टेस्ट करता है, टू पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करता है। मतलब आपके पास जो दो सैंपल्स होने चाहिए, इफ यू रिमेम्बर कि ये इस तरह से आप जो अपना हाइपोथेसिस है वो सेटअप करते हैं। बट अगर क्वेश्चन आता है कि अगर हमें दो से ज्यादा पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करना है, मतलब सपोज अगर आपका नल हाइपोथेसिस ऐसे है, सपोज यहाँ पे मुझे थ्री मॉडल्स ऑफ कार के एवरेज पेट्रोल कंजम्पशन को टेस्ट करना है, तो क्या हम टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, इस केस में आप टी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट आपने पढ़ा है, आपने टी टेस्ट पढ़ा है फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल्स एंड फॉर डिपेंडेंट सैंपल्स, राइट। सो इट इज ओनली फॉर टू पॉपुलेशन मीन्स की इक्वालिटी को टेस्ट करने के लिए हम पेयर टी टेस्ट या इंडिपेंडेंट सैंपल वाले टी टेस्ट को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर दो से ज्यादा पॉपुलेशन मीन है तो वहां टी टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। तो उसको टेस्ट करने के लिए वी हैव द टेक्निक, एंड दैट इज नोन एज अनोवा। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनोवा जो है वो क्या करता है, पॉपुलेशन मीन की इक्वालिटी को टेस्ट करता है फॉर मोर देन टू, दो से ज्यादा अगर आपके पास सैंपल्स हैं तो। दिस इज अ पर्पस फॉर अनोवा। सो यहां आप देख रहे हैं,
purpose. What is the purpose? To test the homogeneity of the population means for how many samples? Three or more samples. तो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. पहला तो कि तीन या तीन से ज्यादा samples होंगे और किसको test करता है? Obviously population mean की equality को test करता है. Now students, let's understand कि ये तो हमने इसका null hypothesis जब आप ANOVA में set करते हैं तो population mean का को लेकर सेट करते हैं, इसका क्या पर्पस है ये समझा है. अब इसका जो बेसिक लॉजिक है, जो वर्किंग है, जो प्रोसीजर है, वो हम समझते हैं कि ANOVA बेसिकली करता क्या है. नाउ द नेम इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. तो अब आपको वेरिएंस मतलब होता है वेरिएशन. वेरिएशन को आप कैसे एनालाइज करते हैं? तो इसका प्रोसेस क्या होता है कि सपोज आपके पास ये फील्ड ऑफ लैंड है, तो इस फील्ड ऑफ लैंड में जो टोटल वेरिएशन है, टोटल वेरिएशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, इसको आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक करते हैं. ठीक है, इसको आप ब्रेक कर रहे हैं कि क्या क्या कॉम्पोनेंट्स, कि भाई ये जो एक्सपेरिमेंट या जो प्लॉट ऑफ लैंड है उसमें वेरिएशन किस किस वजह से आ सकता है. जैसे सॉइल की फर्टिलिटी की वजह से आ सकता है पहला वेरिएशन. ठीक है, या फिर आपके सीड्स की वेराइटी की वजह से आ सकता है, है ना. तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं. फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, विंड डायरेक्शन हो सकता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपके जो प्रोडक्शन है उसको अफेक्ट करेंगे. तो यहां सिर्फ समझाने के लिए मैंने आप दिस एग्जाम्पल की जो एक्सपेरिमेंट का टोटल वेरिएशन है उसको हम अलग अलग छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक करते हैं. अब ये सोर्सेस ट्रीटमेंट्स भी हो सकते हैं, ये सोर्सेज आपका एक्सपेरिमेंटल एरर भी हो सकता है. सो जब आप इसको ब्रेक कर रहे हैं डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स में तो इसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ वेरिएशन. अब ये सोर्स ऑफ वेरिएशन ट्रीटमेंट्स भी हो सकते हैं और ये सोर्स ऑफ वेरिएशन आपके एरर भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट होता है ANOVA का. और आगे आप देखेंगे, अगर आपको वी हैव स्टडीड TSS, SST, आप टोटल सम ऑफ स्क्वेयर, सम ऑफ स्क्वेयर ड्यू टू ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वेयर ड्यू टू एरर, वो कुछ नहीं है, वो यही है. वहां पे हम ANOVA का कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि ये जो टोटल वेरिएशन है उसको हम TSS कहते हैं. ये जो वेरिएशन जो आप ट्रीटमेंट्स की वजह से देख रहे हैं उसको SST, और जो वेरिएशन एरर की वजह से उसको एरर कहा जाता है. तो वही कॉन्सेप्ट को हम जब मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो TSS और SST हो जाता है. सो हियर व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट, कि आप यहाँ पे टोटल जो वेरिएंस है उसको आप डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वेरिएशन डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं और उसके बाद फिर आप उनका जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है उसको टेस्ट कर रहे हैं. दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर ANOVA. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस ANOVA को जब आप टेबल में एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसमें कितने कॉलम्स होते हैं. वी हैव 5 कॉलम्स फॉर दैट. सो ये भी हमें याद होना चाहिए कि ANOVA टेबल में कितने कॉलम्स होते हैं. 5 कॉलम्स होते हैं. सो कौन कौन से होते हैं? सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर्स, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स एंड एफ वैल्यू. सोर्स ऑफ वेरिएशन में यहाँ पे ट्रीटमेंट्स और एरर आ जाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है, सम ऑफ स्क्वायर्स इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. मीन सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम. हमेशा स्मॉल एस स्क्वायर से इसको डिनोट किया जाता है. और एफ वैल्यू, अब कई बार ये होता है कि जब आप इसके सिग्निफिकेंट, यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि आप सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस को टेस्ट करते हैं, तो जब आप टेस्ट करते हैं तो कौन से वाले स्टैटिस्टिक एफ को हम यहाँ पे यूज करते हैं. एफ स्टैटिस्टिक जो आपने अपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा हुआ है, तो उसका फॉर्मूला होता है SA² / SE², मतलब मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट ए डिवाइडेड बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर. ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स की एफ वैल्यू को निकाल लेते हैं. तो यहीं से आपको कुछ फॉर्मुलेज याद हो गए, जैसे मीन सम ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करके. एफ वैल्यू कैसे निकालते हैं, दिस इज अ फॉर्मूला. कितने कॉलम्स होते हैं, 5 कॉलम्स होते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके ANOVA का वो क्या होता है, उसको डिवाइड करना होता है टोटल वेरिएशन को डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स में. तो जब आप इसको स्टैटिस्टिकली और मैथमेटिकली एक लीनियर मॉडल की हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ये YIJ = μ + α + β j + CIJ. नाउ समटाइम्स इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आ जाता है
देखिए वाई आई जे मतलब आपका ऑब्जर्वेशन या प्रोडक्शन है, म्यू मतलब आपका मीन इफेक्ट है, अल्फा आई या सम टाइम्स टाउ आई भी होता है, ये आपका इफेक्ट होता है ट्रीटमेंट की वजह से, बीटा इफेक्ट होता है ब्लॉकिंग की वजह से, और ई आई जे होता है एप्साइलन जो होता है दैट इज ड्यू टू एरर. एंड आई टोल्ड यू कि यहाँ पर एरर जो है वो इस तरह से आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. तो ये सारे नोटेशंस हमें पता होने चाहिए. आपका जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है वो थ्री स्टैटिस्टिकल मॉडल्स होते हैं. जैसे कई बार क्वेश्चन होता है कि कितने स्टैटिस्टिकल मॉडल्स होते हैं अनोवा में, सो वी हैव थ्री स्टैटिस्टिकल मॉडल्स. एक होता है आपका फिक्स्ड इफेक्ट, एक होता है रैंडम इफेक्ट, और एक होता है आपका मिक्स्ड इफेक्ट मॉडल. सो स्टूडेंट्स, फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल ये जो आप क्लासिफाई करते हो ये किसके बेसिस पे होते हैं? ट्रीटमेंट्स के बेसिस पे होते हैं. देखिए फिक्स्ड मतलब कि अगर आपका ट्रीटमेंट इफेक्ट थ्रू आउट द एंटायर एक्सपेरिमेंट फिक्स्ड है तो उसे फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल कहते हैं. अब यहाँ पे एक अजम्पशन होता है कि समेशन ऑफ अल्फा आई इज इक्वल्स टू जीरो. रैंडम मतलब क्या होता है? अगर आपके ट्रीटमेंट का इफेक्ट रैंडम नेचर का है तो उसे रैंडम इफेक्ट कहते हैं. यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा आई नॉट इक्वल्स टू जीरो है. और मिक्स्ड मतलब जहां पे कुछ इफेक्ट्स रैंडम है और कुछ इफेक्ट्स फिक्स्ड है तो उसे हम मिक्स्ड इफेक्ट मॉडल कहते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर थ्री स्टैटिस्टिकल मॉडल्स होते हैं फिक्स्ड इफेक्ट, और वो हम किसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? ट्रीटमेंट्स के बेसिस पे. अगर ट्रीटमेंट का इफेक्ट फिक्स्ड है तो उसको फिक्स्ड इफेक्ट कहते हैं, अगर ट्रीटमेंट का इफेक्ट रैंडम है तो वो रैंडम इफेक्ट हो जाता है, और दोनों है तो वो मिक्स्ड इफेक्ट हो जाता है. और इसमें ये अजम्पशंस हम लेके चलते हैं. सो आई हैव समराइज दिस एंटायर पास्ट स्टेटिस्टिकल मॉडल अनोवा, और ये सारे मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने गो थ्रू कर लिया. कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस. सो मूविंग ऑन टू द न्यूमेरिकल सेक्शन नाउ. एन एक्सपेरिमेंटल यूनिट इन द रिसर्च वर्क इज अ फील्ड प्लॉट एन एनिमल अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स एंड ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कौन कौन से हो सकते हैं. तो देखिए फील्ड प्लॉट ऑफ फील्ड हो सकता है, एनिमल हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स हो सकते हैं. सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव फॉर दिस क्वेश्चन. एन एक्सपेरिमेंटल एरर इट इज ड्यू टू वेरिएशन इन द ट्रीटमेंट इफेक्ट्स, एक्सपेरिमेंटर्स मिस्टेक्स, एक्सट्रानियस फैक्टर्स एंड नन ऑफ द अबव. सो अभी अभी आई हैव एक्सप्लेन यू कि जो एरर होता है वो एक्सट्रानियस फैक्टर्स की वजह से होते हैं. ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रैंडम होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे विंड का डायरेक्शन है या सॉइल की फर्टिलिटी है या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो ये ह्यूमन हैंड के कंट्रोल में नहीं होता है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी एक्सट्रानियस फैक्टर्स. एरर्स इन द स्टैटिस्टिकल मॉडल आर ऑलवेज टेकन टू बी इंडिपेंडेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज एन जीरो सिग्मा ई स्क्वायर बोथ ए एंड बी नाइदर ए नॉर बी. सो जस्ट नाउ वी हैव डन कि आपकी जो एरर होती है वो आईआईडी होती है एन जीरो सिग्मा ई स्क्वायर. एन मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आईआईडी मतलब इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में दिया गया है कि इंडिपेंडेंट भी होती है और ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बोथ ए एंड बी. रेप्लिकेशन इन एन एक्सपेरिमेंट मीन्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, नंबर ऑफ टाइम्स अ ट्रीटमेंट अकर्स इन एन एक्सपेरिमेंट एंड नन. रेप्लिकेशन मतलब रिपीट करना. तो आप यहाँ पे ट्रीटमेंट्स को रेप्लिकेट करते हो, रिपीट करते हो एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे. मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप ट्रीटमेंट आपके एक्सपेरिमेंट में अकर कर रहा है, दैट इज अ मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन. सो आंसर विल बी नंबर ऑफ टाइम्स अ ट्रीटमेंट अकर्स इन एन एक्सपेरिमेंट. Replications in an experiment eliminates human bias, competition among the neighboring plots, heterogeneity among the blocks and none of the above. देखिए students, अब ये भी आना बहुत जरूरी है. देखिए human bias replication का सिर्फ क्या purpose होता है? आप repeat करते हो तो इसका मतलब आप जो error है उसको reduce कर रहे हो. Error reduce कर रहे हो मतलब design की efficiency को increase कर रहे हो. तो यहाँ पे ये सब रॉन्ग है, बिकॉज ये जो सारे रीजंस हैं ये लोकल कंट्रोल और रैंडमाइजेशन के हैं. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी नन ऑफ द अबव. रैंडमाइजेशन इन एन एक्सपेरिमेंट हेल्प्स टू एलिमिनेट. तो रैंडमाइजेशन मतलब जब आप रैंडमली ट्रीटमेंट्स को एलोकेट करते हो एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे, तो जो पर्सनल बायस है इन्वेस्टिगेटर का या जो ह्यूमन बायस है उसको आप एलिमिनेट करते हो. सो आंसर विल बी ह्यूमन बायस.
लोकल कंट्रोल इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेंटेन द होमोजेनिटी अमंग द ब्लॉक्स होमोजेनिटी विद इन द ब्लॉक्स बोथ ए एंड बी एंड नाइदर ए नॉर बी. सो लोकल कंट्रोल क्या होता है? ब्लॉकिंग होता है. ब्लॉकिंग मतलब कि जब आप हेट्रोजीनियस लैंड को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, और विद इन तो वो कैसा होना चाहिए, जस्ट नाउ जैसे जो हमने यहाँ पे देखा था कि हेट्रोजीनियस लैंड को आप ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे हैं, विद इन तो होमोजीनियस है और अमंग एक दूसरे से कैसा है, हेट्रोजीनियस है. तो लोकल कंट्रोल से हम क्या कर पाते हैं, क्या मेंटेन कर पाते हैं, होमोजेनिटी विद इन द ब्लॉक्स. आंसर विल बी होमोजेनिटी विद इन द ब्लॉक्स. लोकल कंट्रोल इन द फील्ड इज मेंटेन थ्रू, नाउ ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लोकल कंट्रोल को हम यूनिफॉर्मिटी ट्रायल्स की हेल्प से अचीव कर पाते हैं. द क्लासिफिकेशन ऑफ द लीनियर मॉडल इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल नेचर ऑफ ट्रीटमेंट्स अजम्पशन अबाउट एरर. तो लीनियर मॉडल या स्टेटिस्टिकल मॉडल थ्री होते हैं, फिक्स्ड इफेक्ट, रैंडम इफेक्ट और मिक्स्ड इफेक्ट. तो राइट नाउ आई टोल्ड यू कि ये क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड करता है, ट्रीटमेंट्स के नेचर पे. अगर ट्रीटमेंट्स का नेचर फिक्स्ड है तो उस मॉडल को फिक्स्ड इफेक्ट कहेंगे, अगर ट्रीटमेंट्स का नेचर रैंडम है तो वो रैंडम इफेक्ट हो जाएगा, और दोनों मिक्स है तो मिक्स्ड इफेक्ट हो जाएगा. सो आंसर विल बी नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट्स. फॉर द फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल आपको यहाँ पे पूरा मॉडल दिया हुआ है, वॉट आर द अजम्पशन. सो स्टूडेंट्स, अभी अगर आपने प्रॉपरली और बहुत अच्छे से समझा है इसको, सो सपोज हमने जब ये मॉडल लिया था, ये वाला मॉडल, तो आई टोल्ड यू कि ट्रीटमेंट का इफेक्ट यहाँ पे जब हम अजम्पशन लेते हैं, जब फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल होता है तो समेशन ऑफ एल्फा यहाँ पे जीरो होता है. ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि यहाँ पे जब ये जो इफेक्ट्स हैं ये सारे इफेक्ट्स कैसे हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे. तो फिक्स्ड ये सिर्फ किस में होता है, फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में होता है. अगर यही क्वेश्चन आपका रैंडम इफेक्ट में आता तो ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होते. तो इस बात को समझना है, कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव वे में पूछ लिया जाता है. तो आपको मैंने एक लॉजिक बता दिया है कि समेशन ऑफ अल्फा आई जीरो है तो वो किसके लिए होता है, फिक्स्ड इफेक्ट के लिए, और अगर इफेक्ट्स नॉट इक्वल्स टू जीरो हैं तो वो हो जाएंगे रैंडम के लिए. तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से पूछ लिया गया है कि ये आपके इफेक्ट्स हैं, मान लीजिए ये इंट्रैक्शन इफेक्ट है, ये ब्लॉक इफेक्ट है, और ये आपका ट्रीटमेंट इफेक्ट है. तो हम अजम्पशंस क्या लेके चलते हैं कि ये सारे इफेक्ट्स कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, किसमें, फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल. सो आंसर विल बी दिस फॉर दिस क्वेश्चन. अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स इज सेट टू बी अ कॉन्ट्रास्ट इफ द सम ऑफ द ट्रीटमेंट इफेक्ट्स इज जीरो, ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ द ट्रीटमेंट इज जीरो, ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ ट्रीटमेंट्स आर यूनिटी, अ नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोएफिशिएंट इज सेम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला अभी हम स्किप कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, बिकॉज मैं आपको मैथमेटिकली क्वेश्चन की हेल्प से यहाँ पे समझाना चाहूंगी कि कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, कैसे हम चेक करते हैं, एंड इट इज वेरी वेरी इजी. तो आपको वो जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है वो भी समझ में आ जाएगा. सपोज यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रास्ट. तो आपको चेक कैसे करना है ये देखिएगा. देखिए कॉन्ट्रास्ट के लिए हमें क्या करना है, ये कोएफिशिएंट्स को ऐड करना है. ठीक है, तो पहला कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट -3 है, और इसका कोएफिशिएंट +1 है. तो आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. तो ये कॉन्ट्रास्ट नहीं है. अगर इनके कोएफिशिएंट्स का सम 0 आता है तो फिर वो कॉन्ट्रास्ट हो जाता है. तो पहला वाला कॉन्ट्रास्ट नहीं है. ठीक है, दूसरे वाले पे आइए. कोएफिशिएंट क्या है, -3, फिर यहां पर है -1, ये है +1, और ये है +3. तो आप देख रहे हो ये सब कैंसिल हो गया और ये इक्वल्स टू जीरो हो गया. तो ये कॉन्ट्रास्ट है. अभी हम बाकी भी कर रहे हैं, ये वाला भी देखो एक बार. इसका कोएफिशिएंट है 1, देन 3, देन -3, एंड देन +1. तो आप देख रहे हो ये 2 है. तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्ट्रास्ट. फिर इस पर आइए, तो ये 1 + 1 + 1 - 1, तो ये 2 है. तो ये भी कॉन्ट्रास्ट नहीं. तो कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है कि ये जो कोएफिशिएंट्स है ट्रीटमेंट्स का, वो कोएफिशिएंट्स का सम आप जब करेंगे तो वो जीरो आना चाहिए. दैट इज अ कॉन्ट्रास्ट.
अब सपोज अगर हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे बोला गया विच इज नॉट कॉन्ट्रास्ट, जो कॉन्ट्रास्ट नहीं है, तो आपको क्या करना है, मतलब सम जीरो नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे आप इसको ऐड करिए, 1 + 2 - 1, तो ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रास्ट नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 - 1 जीरो आ रहा है, तो ये कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ पर देखिए 1 - 2 + 1 ये जीरो आ रहा है, तो ये कॉन्ट्रास्ट है। -1 + 2 - 1 तो ये कॉन्ट्रास्ट है। क्वेश्चन में बोला है विच इज नॉट अ कॉन्ट्रास्ट, तो कौन सा कॉन्ट्रास्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रास्ट नहीं है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कॉन्ट्रास्ट के क्वेश्चंस छोड़ने नहीं है, कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है। अब आप लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी समझ जाएंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑप्शन में चेंज किया है स्टूडेंट्स, क्योंकि गलती से यूनिटी लिख लिया था, ठीक है। अब देखिए पहला वाला क्या है, द सम ऑफ द ट्रीटमेंट इफेक्ट इज जीरो, तो इसको मार्क करके नहीं आना है जल्दीबाजी में, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट इफेक्ट्स के सम को नहीं बोला है, मैंने यहाँ पे कोएफिशिएंट्स का बोला है। ट्रीटमेंट इफेक्ट्स के जो कोएफिशिएंट्स है उनका सम हमने करके चेक किया है। सो लैंग्वेज क्या है, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द ट्रीटमेंट इफेक्ट्स आर जीरो, सो दिस इज द करेक्ट लैंग्वेज। ऑप्शन में ये भी दिया है द सम ऑफ द ट्रीटमेंट इफेक्ट इज जीरो, तो प्लीज लैंग्वेज का ध्यान रखना है। अगर मैथमेटिकली आपको समझ में आ गया है तो उसी को वर्ड्स में पुट कर दिया है कि जब ये वाले जो कोएफिशिएंट्स हैं इनका सम करेंगे हम, तो अगर जीरो आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मिसिंग वैल्यू इन एन एक्सपेरिमेंट इट इज एस्टिमेटेड बाय द मेथड ऑफ व्हाट, अगर आपके किसी भी डिजाइन में, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा में, किसी भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में अगर आपको कोई वैल्यू को निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम दो मेथड्स यूज करते हैं। एक होता है अनकोवा, जिसे हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, और एक होता है एरर मीन स्क्वायर्स को मिनिमाइज करना। तो ये जो है ये मेथड एफ येट्स ने दिया है, कई बार ये भी आ जाता है, इट वॉज गिवन बाय एफ येट्स। सो ये दोनों ही मेथड्स की हेल्प से आपको आप मिसिंग वैल्यू को इजिली एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द सर्टेन, ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन ऑफ अनोवा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे और जो थ्योरी था वो हमने आज डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट वन वे अनोवा, टू वे अनोवा, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे, थ्योरी भी देखेंगे, एंड देन लेटर ऑन वी विल कवर सीआरडी, आरबीटी एंड एलएसडी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।